ओम शांति। कुछ क्षणों के लिए अपने को फॉर फ्यू मोमेंट्स I create the awareness of my form as a point. I also use point to stop all the thoughts. Creating my Vyakta stage from Vyakta. And during day, whatever actions I'm doing, मैं स्वयं को न्यारा कर आज सारे दिन भर जो भी मैंने कर्म किए हैं उन कर्मों को भी फुल स्टॉप लगाकर अभ्यास करती हूँ एक बिंदु स्वरूप में स्थित होने का पवित्र न्यारी प्यारी बिंदु आत्मा शांत स्वरूप बस बहुत स्थिर बैठे शांत इस बिंदु स्वरूप स्थिति में एन एक्सपीरियंस और अनुभव करें व्हाट डू आई फील एज अ पॉइंट बिंदु स्वरूप में मुझे क्या अनुभव हो रहा है नॉट ओनली डिटैच फ्रॉम द बॉडी न केवल शरीर से न्यारेपन का अनुभव बट ऑल ब्यूटिफुल प्योर फीलिंग्स इन द पॉइंट परंतु साथ ही साथ बिंदु रूप में अन्य सभी सुंदर भावनाएं इमर्ज हो रही है प्योर सभी संकल्प पवित्र बनते जा रहे हैं शुद्ध बनते जा रहे हैं और अन्य सभी भी यह अनुभव कर पा रहे हैं कि वो अशरीरी है हर एक हम बिंदु स्वरूप आत्मा लाइट कलेक्टिवली हम सब संगठन में ये स्मृति इमर्ज कर रहे हैं कि मैं केवल एक बिंदु रूप हूं ओम शांति ओम शांति मिला
आती है, रोहनी हान करती है, बढ़ती है। तो हर दिन का आज कितना श्रेष्ठ है, आपके मोहब्बत से उठते हो कि कभी कभी मजबूरी से भी उठते हो। ये दर्द तो मोहब्बत के गीत आपको उठाते, अमृत वेले से मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ, कितना सने से बुलाते उठाते हैं। जिसका आज इतना श्रेष्ठ है, तो मध्य और अंत क्या होगा? श्रेष्ठ होगा ना। Shanti, now do service with your elevated state of the mind. Om Shanti, ab apni shreshth mansa dwara sukshma vrittiyon se seva karo. Drishti vritti ki pavitrata. Main brahmachari to rehta hu, pavitrata ka palan to karta hu. सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ, अभी दृष्टि वृत्ति की पवित्रता पर और अंडरलाइन करो। मूल फाउंडेशन है अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ, वृत्तियों को शुभ भावना से संपन्न बनाओ, सबका भला हो यह वृत्ति धारण करो, तब आपको सब अपना मानेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। स्वागत है सभी का अव्यक्ति परिवार में। आज है 8 मई। अब अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा सूक्ष्म वृत्तियों से सेवा करो। आज का टॉपिक है दृष्टि वृत्ति की पवित्रता। अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति सभी को। सभी ठीक है? बहुत अच्छा। नॉट ओनली गुड बट वेरी गुड। न केवल अच्छे लेकिन बहुत अच्छे। बाबा चाहते हैं कि हमारी पवित्रता की परसेंटेज
100% हो, 100% हो, न केवल कर्मों में पवित्रता या पवित्रता शब्दों में, लेकिन बाबा चाहते हैं संकल्पों में, वृत्ति में, दृष्टि में संपूर्ण पवित्रता। हम अपना दिन शुरू ही बाबा के साथ करते हैं, सवेरे सवेरे बाबा हमें उठाते हैं और हम बाबा के साथ बैठते हैं। तो सच में आजकल ऐसा लगता है कि बस बैठे बाबा के साथ, अनुभव होगा, भावनाएं भी इमर्ज होंगी कि मैं बाबा के साथ हूँ। और हम हर एक ये सोचे कि बहुत है हमारे जीवन में जिन्हों को पवित्रता के लिए अपने परिवार में, अपनी सोसाइटी में बहुत संघर्ष करना पड़ा है। साधारण तौर पर देखा जाए तो जीवन ऐसे ही जीते हैं ना कि आप बड़े होते हैं, शादी करते, बच्चों के साथ रहते, परिवार के साथ रहते, लेकिन जैसे जैसे ही हम ब्रह्मा कुमारी के पास आते हैं तो सबको पता है कि इनको पवित्र जीवन जीना है, ब्रह्मचारी का पालना करना है। तो परिवार के अंदर बहुत संघर्ष होता है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट चलती है, सोसाइटी से बहुत प्रेशर अनुभव होता है, अब अकेले जीवन कैसे जिएंगे। परंतु भाग्य ऐसा है कि हमारा परिवार बेहद का परिवार है, नहीं तो ये बात सच है, पवित्र जीना मुश्किल नहीं है लेकिन अकेले जीना मुश्किल है। परिवार न होना ये बहुत बड़ी बात है ना, लेकिन हमें पता है कि हम बेहद के परिवार में हैं। बाबा कहता है कि लेकिन वो इनफ नहीं है, वो बस नहीं है कि अगर आप ब्रह्मचारी का पालन करते हैं। बाबा कहते हैं आपकी पवित्रता वृत्ति की और दृष्टि की पवित्रता होनी चाहिए। हिंदी में तो दृष्टि वृत्ति कहते ही है, कहने का भाव कि हमारा अटेंशन या कोई भी प्रकार का आकर्षण अपने स्वयं के शरीर की तरफ या किसी और के शरीर की तरफ थोड़ा सा भी न जाए। मैं इन कपड़ों में बहुत अच्छी दिख रही हूँ, ये जेवरात मुझे बहुत सुंदर दिखाते हैं, मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ इसमें। तो किसी भी तरीके से, कोई भी रूप में हमारा ध्यान अपने शरीर को आकर्षित बनाने की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो अगर मेरी वृत्ति में है तो दूसरे भी न केवल मुझे देखेंगे लेकिन वो मेरे शरीर को देखेंगे। ओ, आप सच में बहुत अच्छे दिखते हैं, आप बहुत स्मार्ट दिखते हैं, ये बहुत अच्छा दिखता है आपके ऊपर, कोई कपड़ा देखते हैं तो। तो ये देह अभिमान है, और जब आपके अंदर देह अभिमान है तो दूसरे जब आपको देखते हैं तो वो भी देह अभिमान में देखते हैं। तो बहुत ही सूक्ष्म है वृत्ति, देह अभिमान की वृत्ति बहुत ही सूक्ष्म है, बाबा इसको भी अपवित्रता कह रहा है। तो हमें अपने आप को ये चेक करना है कि हर रोज जो बाबा कहते हैं, हम तुरंत अपने आप को चेक करते हैं ना कि देखे क्या मेरे अंदर वो अपवित्रता अभी भी है, सूक्ष्म अपवित्रता। लेकिन साथ ही साथ बाबा ये भी कह रहा है कि केवल ये बात नहीं है, लेकिन आपको हमेशा सदा पवित्र संकल्प होने चाहिए क्योंकि ये मूल फाउंडेशन है। और आप में शुद्ध भावनाएं, आपकी वृत्ति भी शुद्ध सभी के प्रति,
आपकी बुद्धि, आपकी वृत्ति, सब कुछ ज्ञान स्वरूप। हम ज्ञान तो सुनते हैं, है ना, लेकिन ज्ञान का मंथन करना, ज्ञान की चिटचैट करना, ज्ञान का स्वरूप बनना, मुझे लगता है कि इसमें हमें थोड़ा और पुरुषार्थ करना है। हम जब कभी किसी एक दो को देखते हैं तो हम मुरली के एक पॉइंट शेयर करें, तो हम ज्ञान स्वरूप बनते जा रहे हैं और ये ज्ञान फिर शक्ति बन जाती है, वास्तव में है शक्ति, क्योंकि मन और बुद्धि और वृत्ति उसमें और कुछ बात होगी नहीं, संपूर्ण पवित्रता है, क्योंकि ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान रोशनी है। तो बाबा चाहते हैं कि हमारी भावनाएं सर्व के प्रति यही हो कि हर कोई बहुत अच्छी जीवन जिए, हमेशा जैसे बहुत शुभ भावनाएं, शुद्ध संकल्प औरों के प्रति रचते रहे। तो ये करुणा से स्नेह अगर है तो वहां से आता है, बहुत ही स्वाभाविक रीति से देही अभिमानी स्थिति में ज्ञान स्वरूप बनकर शक्ति स्वरूप बनना है। न केवल हम सब कुछ साफ सुथरा रखते हैं, शुद्ध रखते हैं, लेकिन उसे संपन्न भी बनाना है, संपन्न भी रखना है। कितने हैं हम में से जिन्हों को याद है मुरली में से ज्ञान की पॉइंट्स याद है? और फिर बाबा ने कहा कि आपको कर्म योग करना है, तो आपकी बुद्धि कर्म में भी है, लेकिन कभी कभी क्योंकि ज्ञान बुद्धि में नहीं है तो बुद्धि बहुत सारी जगह बहुत सारी डायरेक्शंस में चली जाती है और फिर वो हमारी स्थिति को प्रभावित करती है। तो मैं सोच रही थी दादियों के बारे में, उन्होंने सच में वो एक लाइट थी, जब मैं आई तो सभी जगह मैंने देखा लोग दादी के सर्कल करके खड़े हैं। मैं सोचती हूँ कभी कभी कि अगर वो फिर से वो समय क्रिएट करे कि पूरा दिन हम बस बाबा के बारे में बात कर सके, बाबा ने क्या कहा, ताकि हम ज्ञान स्वरूप बन सके और शक्ति स्वरूप बन सके। मैं बहुत खुश हूँ कि हमें ये अव्यक्त सिग्नल्स प्राप्त हो रहे हैं, अव्यक्त इशारे प्राप्त हो रहे हैं, और जब हम हर एक शब्द को देखते हैं, उस पे थोड़ा विचार साकर मंथन करते हैं इकट्ठे, तो मेरे लिए तो मैं समझती हूँ कम से कम कि जो बहुत सीनियर है, ओल्ड है, और जो बहुत यंग है, तो उनमें भी कुछ इमर्ज होता है, क्योंकि इतना सरल है व्यर्थ संकल्पों से स्वयं करना। मुझे पता है कि काम के क्षेत्र में शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन हम में से कई हैं जो घर में बैठे हैं, घर से काम कर रहे हैं, पूरा समय बाबा की सेवा में दे रहे हैं, तो कोई भी अगर हमें हमारे साथ बात कर रहा है या बात करना चाहता है, तो हम उनके साथ पॉइंट ऑफ नॉलेज शेयर कर सकते हैं, ज्ञान की कोई भी एक पॉइंट शेयर कर सकते हैं। जैसे बाबा ने कहा कि आपको सोचता स्वरूप नहीं बनना है, लेकिन आपको आपको स्मृति स्वरूप बनना है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, सोचता स्वरूप नहीं बनना है, स्मृति स्वरूप बनना है। स्मृति छोटी छोटी बातों की भी हो सकती है, जैसे बाबा मेरा टीचर है, बाबा मेरे सदगुरु है, बाबा मेरा फ्रेंड है, बाबा ज्ञान का सागर है, कोई भी एक संकल्प, or anyone thought about Baba. किसी ने अगर दूसरे ने भी सोचा है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो इसका मतलब वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान का रिविजन हो जाता है। Conversation of knowledge will definitely help us.
ज्ञान की चिटचैट हमें जरूर कुछ ना कुछ मदद करेगी, नहीं तो हम अपने आप को साफ और स्वच्छ और पवित्र बनाने की कोशिश कर ही रहे। हमारी दृष्टि और वृत्ति पवित्र है, लेकिन साथ ही साथ उसको अब श्रेष्ठ भी बनना है। ज्ञान को शेयर करना ये भी इम्पोर्टेंट है। कोई भी समय, कोई भी अगर आप अपने आप में या फिर अगर कोई कॉल करता है, कोई बात करता है, तो उनके साथ भी आप ज्ञान की पॉइंट शेयर कर सकते हैं। तो हमें कल से हम ट्राई कर सकते हैं कि हमारी कन्वर्सेशंस, हमारी बातचीत जो है वो ज्ञान के आधार से हो और हम ज्ञान के शक्ति के स्वरूप बने। और ये अवश्य ही हमारे अंदर ये भावना को इमर्ज करेगा कि मेरी दृष्टि और वृत्ति औरों का कल्याण करने के लिए, तो क्योंकि आखिर में हमें क्या करना है, पवित्रता की शक्ति से सभी को का कल्याण करना है, दूसरों का अच्छा करना है, ताकि दूसरों को ये अनुभव हो कि हम हमेशा उनका अच्छा ही सोचते हैं। तो ये भी जैसे अपनेपन की भावना दे सकती है। ओम शांति। गुड इवनिंग दीदी। गुड इवनिंग दीदी। बहुत समय के बाद हमने आपको सुना है पिछले दो तीन दिनों में, लेकिन बहुत सारे संकल्प इमर्ज होते हैं मन में। और आपने बताया कि मुरली में कुछ आया था कि जब बाबा ने ये बताया कि आपको पवित्र बनना है, निर्मल बनना है और निर्माण बनना है, और उसी से शुरू करने के लिए क्या ऐसा कह सकते हैं, क्या पवित्र बनना ये एक डेस्टिनेशन है, माना मंजिल है, क्या निर्मल बनना एक मंजिल है, निर्माण बनना एक मंजिल है, या ये एक अभ्यास है जो मुझे करते रहना, कैसा दिखाई देता है? दीदी कह रहे मंजिल हमारी पवित्रता है, लेकिन उस पवित्रता का जो एक्सप्रेशन है या अनुभव है वो इन क्वालिटीज के थ्रू आता है, इन गुणों के थ्रू आता है। जैसे बाबा कभी कभी उदाहरण देते हैं कि जो सच्चा सोना होता है वो मोल्ड हो सकता है क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन अगर उसमें बहुत एलॉय है, मिक्सचर है, तो आप उसको मोल्ड नहीं कर सकते। तो पवित्रता भी ऐसी है। जब पवित्रता है तो मुझे लगता है कि जैसे आप दादी गुलजार को देखते हैं तो वो बहुत ही निर्मल थी, माना इन कहने का भाव कि उनको क्या कहना है, क्या बोलना है, कैसे चलना है। अपने शरीर के साथ भी वो बहुत ही निर्मल थे। कोई कोई अपने शरीर के लिए भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन वो बहुत जेंटल थी खाते समय, या कभी कभी अगर वो चल रहे हैं तो उस समय भी बगीचे में चलते हुए आप देखेंगे उनको, तो आपको उनकी निर्मलता का अनुभव होगा। तो वही मुझे लगता है कि अपनी पवित्रता से वो जेंटलनेस को दिखाती है, निर्मलता को दिखाती है, लेकिन निर्मलता हमें और अधिक पवित्र बनना सिखाता है और निर्माण बनना सिखाता है। तो बॉडी बैन पूछ रहे हैं कि मैं उतनी पवित्र नहीं होगी शायद जितनी दादी गुलजार है, लेकिन मैं क्या ऐसा अभ्यास करूं जो मुझे पवित्रता की ओर ले जाए। तो एनर्जी दीदी कह रहे ऊर्जा जो है वो पवित्रता की है, लेकिन पवित्रता की एनर्जी से फिर ये बाकी सारे गुण जो है वो आप अपने अंदर धारण कर सकते हैं और उन गुणों के अपने अंदर इमर्ज करके गुण मूर्त बन सकते हैं। और फिर बाबा ये भी कह रहा था कि आप अपने स्वभाव से मजबूर हो जाते हैं। कभी कभी कोई कोई कहेंगे कि मुझे अपनी पुरानी स्वभाव बहुत अच्छा है,
हो सकता है मैं मजबूर हूँ, लेकिन मुझे अच्छा भी लगता है. ऐसा नहीं है कि मैं पावरलेस हूँ, लेकिन अगर वो मजबूरी भी इमर्ज होती है अपने पुराने स्वभाव की, तो कैसे मैं अपने आप के साथ निर्मल होकर जेंटल हो सकती हूँ क्या, अगर मेरा ही पुराना स्वभाव दिखाई दे रहा है, इमर्ज हो रहा है, उसके साथ में काम कर रही हूँ. आप क्या कहेंगे, हम सभी को देख रहे हैं, तो हमारा पुराना स्वभाव किस परसेंटेज में ब्राह्मण स्वरूप, ब्राह्मण स्वभाव या दिव्य स्वभाव, फिर भी हमारा पुराना स्वभाव भी तो काफी स्ट्रॉन्ग है. तो दादी दीदी कह रहे हैं कि बहुत थोड़े से ही संस्कार दिख रहे हैं. वैसे अगर आप पवित्रता को देखेंगे, अपनी वृद्धि को देखेंगे, औरों के लिए शुभकामनाएं रखना, बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं क्योंकि हमारी पवित्रता के कारण वो स्वाभाविक है. लेकिन कोई कोई संस्कार हमारे थोड़े स्ट्रॉन्ग है, और बाबा उन संस्कारों के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हें चेक करके उन्हें परिवर्तन करना है. बस ध्यान देना है. और समझो आप बहुत फोर्सफुल है, तो हर समय आप बहुत अच्छे नहीं हो, लेकिन कभी ना कभी वो संस्कार इमर्ज हो जाएगा, या आपके अंदर बॉसीनेस है, कोई एक पर्टिकुलर संस्कार है, वो एक कभी ना कभी वो इमर्ज होता है. लेकिन बाबा कह रहे वो भी ना हो, उसको आप तुरंत परिवर्तन कर दो. मुझे लगता है मैं देखती हूँ कि हर एक में मैं परिवर्तन देख रही हूँ. हर एक जो है वो कुछ ना कुछ पुरुषार्थ कर रहा है, अपने स्वभाव को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ कर रहा है, क्योंकि रियलाइजेशन है, और क्योंकि पुरुषार्थ भी कर रहे हैं तो परिवर्तन करने की शक्ति भी आ रही है. तो 1994 की मुरली है, और तब से लेकर आज तक तो कितने सारे साल हो गए, तो बहुत सारे हमारे अंदर परिवर्तन हुए हैं. तो हमें, मैं तो सबको गुड मार्क्स दूंगी, सभी को. तो बड़ी बहन कह रहे थैंक यू. लेकिन फिर भी जैसे आप बोलते हैं कि कोई बहुत बड़ा संस्कार नहीं होगा, मैं शायद हमेशा भी नहीं होगा, लेकिन तुरंत आपको अनुभव होता है, फील होता है, आप उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते. लेकिन मैं अपने स्वभाव की तरफ कैसे जेंटल रह सकती हूँ, निर्मल कैसे रह सकते हैं हम. तो मुझे लगता है कि अगर आप अपने साथ निर्मल स्वभाव के हैं, तो आप दूसरों के साथ निर्मल स्वभाव के होंगे. क्योंकि जो क्वालिटी की पालना आप अपने आप को दे रहे हैं, उसी क्वालिटी की पालना आप दूसरों को भी देते हैं. इसमें कोई दो राय नहीं है. जब आप अपने साथ जेंटल है, निर्मल है, तो ही आप दूसरों के साथ भी निर्मल है. निर्मल को ही जेंटल कहते हैं. अगर मैं सोचूं कि मेरे अंदर बहुत सारी कमजोरियां है, मुझे बहुत सारा पुरुषार्थ करना है, तो फिर वो बुद्धि पर बहुत बड़ा प्रेशर आ जाता है, और वो आपको थोड़ा बॉसी या फोर्सफुल बना सकता है, लेकिन वो आपको मदद नहीं करेगा. मैंने क्या देखा है कि कोई भी बात अगर हम प्रेशर में करते हैं, मुझे याद एक बार मैं दादी जानकी से कह रही थी कि आजकल ये जो कार के दरवाजे हैं, वो कितने सेंसिटिव है, वो उनको टच करो तो वो वो बंद होते हैं, लेकिन आप उनको पकड़ के बंद करना चाहेंगे तो वो बंद नहीं होते हैं. तो ये कार का स्वभाव. तो मैं उनको एक बार कह रही थी कि हम भी ऐसे हैं. मैं अपने बारे में बात कर रही थी कि मुझे बस एक सिग्नल देना है और आपको कहना है कि सब कुछ ठीक होगा. लेकिन अगर बहुत फोर्सफुली आया या मुझे करना ही है ऐसा, तो कहीं ना कहीं मैं उसमें अटक जाती हूँ. तो मैं ये अनुभव, मैं ये उदाहरण दे रही थी एक बार कि हम सभी अलग अलग हैं, लेकिन हर एक को ये पता होना चाहिए कि हम कैसे हैं. तो उसमें बहुत निर्मलता का अनुभव होगा, जेंटलनेस का अनुभव होगा, स्वाभाविक होगा. तो वो सिग्नल्स को हमें कैच करना है और वैसे ही फिर करना है.
today also when we were talking. आज जब आप बात कर रहे थे पहले आपने ये बात कही थी और बाबा ने मुरली में ये कही और ये इंग्लिश भाषा में बहुत ही फेमस हो गया है ये शब्द और वो था कि बीइंग एन इन्फ्लुएंसर माना प्रभावशाली बनना. जब हम कहते हैं कि इनके इतने फॉलोवर्स हैं, इनका इतना प्रमोशन है, वो बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, वो कपड़ों को प्रमोट कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं, तो इतने सारे फॉलोवर्स होते हैं और फिर उनको पैसा भी मिलता है वो करने के लिए. तो बाबा कहीं ना कहीं कह रहा था कि आपको प्रभावशाली आत्मा बनना है और प्रभावशाली आत्मा जो है वो औरों से प्रभावित नहीं होगी. तो मुझे भी अच्छा लगा कि मैं कहती हूँ कि आप भी तो एक प्रभावशाली आत्मा हो. तो आप इसको कैसे देखते हो इस समय के अनुसार में, इस बात को कैसे देखते हो आप? दीदी कह रहे हैं आप जो कुछ भी प्रभाव डाल रहे हैं वो इसलिए कि आप चाहते हैं कि बाबा के नजदीक आए आत्माएं वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, वो अपनी हिम्मत और उल्लास को बनाए रखे. एक है ये अलग प्रकार का प्रभाव है, एक है कि आप अपनी विधि से और कंसेप्ट आपके अलग है तो उससे आप प्रभावशाली बन रहे. लेकिन एक प्रभाव प्रभावशाली ऐसे होते हैं जो कि वो इस रूहानी यात्रा पर आगे बढ़ते रहे, उनको आप आगे बढ़ाते रहो. मैं कभी भी कोई बात अगर बोलती हूँ तो मुझे याद आता है इमीडिएटली व्यक्ति परिवार कि हर शाम मैं आत्माओं से बात करती हूँ और फिर मैं अपने आप को देखती हूँ कि मैं क्यों बात कर रही हूँ, क्या मैं प्रभावशाली बनाना चाहती हूँ, प्रभावशाली बनना चाहती हूँ या मैं ऑडियंस इंक्रीज करना चाहती हूँ. तो बाबा हमसे क्या चाहते हैं? व्यक्ति इशारे, कुछ यज्ञ से, कुछ दादियों से. तो अगर प्रभावशाली भी है तो भी हमारा प्रभाव इस बात पे कि आत्माओं को परमात्मा के नजदीक लाए, अपनी मंजिल तक पहुंचाए. तो दूसरों के लिए कुछ दूसरों के लिए जब वो करते हैं वो प्रभावशाली बनना चाहते हैं ताकि वो इम्प्रेस कर सके दूसरों से. पर हम भी दूसरों से कभी कभी इम्प्रेस हो जाते हैं. इम्प्रेस हो जाते हैं मीन्स प्रभावित हो जाते हैं. तो न केवल बाबा के बच्चों से या लेकिन दूसरे लोगों से भी प्रभावित हो जाते हैं, न केवल बाबा और बाबा की मुरली से. तो दीदी कह रहे कि अगर ऐसा होता है तो मैं अपनी जो पहचान है उसको खो दे सकती हूँ. अपनी बुद्धि में कभी कभी मुझे लगता है कि उसका बोलने का तरीका, उसका समझाने का तरीका, वो मुझे लगता है कि मैंने देखा है कि आपकी अपनी बुद्धि काम नहीं करती है. जैसे कि मान लीजिए आप जो है वो आप नहीं है क्योंकि आप प्रभावित हो रहे हैं. और ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को जैसे हम है वैसे बनाए रखें. मुझे हमेशा दादी की क्लास रीड करना बहुत पसंद आता था, लेकिन मैंने हमेशा ये बात पर ध्यान रखा कि मुझे कैसा अनुभव हो रहा है, मुझे कैसे मैं विचार सागर मंथन कर रही हूँ. तो एक दिन मैं किसी से बात कर रही थी या मुझे क्लास भी देना था, तो दादी गुलजार दोनों दादी ने कहा हम आपकी क्लास सुनने वाले. मैंने कहा मेरी क्लास नहीं, हम दोनों सुनेंगे. नहीं, हमें अच्छा लगता है आपकी दो जिस तरह से एक्सप्रेस करते हैं या बताते हैं. तो अगर आप अपनी जो पहचान है वो बनाए रखते हैं और उसमें निर्माणता की आवश्यकता है तो इस तरह की शेयरिंग जब हम करते हैं तो हमसे जो आगे है वो भी इसका हिस्सा बनना चाहेंगे. कई बार ऐसा होता है कि दादी जानकी कहेंगे मुझे इनका सुनना है, मुझे देखना है, या मैं क्लास करने के बाद आऊंगी तो आप हमसे शेयर करेंगे कि आपने क्या बोला,
कि वही बात ने मुझे निर्माण बनाया, क्योंकि मैंने सोचा वो इतने विवेक इतना उनका है और इतना श्रेष्ठ है, और फिर भी वो चाहते हैं कि हमसे सुने. तो दूसरी बात वॉडी बहन कह रहे हैं कि जब आप विश्वास को जनरेट करते हैं तो विश्वास के लिए पवित्रता चाहिए. तो क्यों फिर जो बहुत सीनियर होते हैं उन्होंने हमें इतना ट्रस्ट किया, इतना विश्वास किया, वो आप उनके कंपेनियन साथी हैं, लेकिन फिर भी चाहते कि आप ऊंची स्थिति में जाओ. तो दीदी कह रहे क्योंकि आप ईमानदारी से कार्य व्यवहार करते हैं, ऑनेस्टी से करते हैं, तो जब सत्यता है, ईमानदारी है, तो अपने आप वो भावना इमर्ज होती है. जब मैं ब्रह्मा बाबा के साथ आई तो ब्रह्मा बाबा मेरे साथ इतना शेयर करते थे, जबकि मैं बहुत छोटी थी. तो मैं सोचती थी कभी कभी मैं तो इतनी छोटी हूँ और ब्रह्मा बाबा मेरे साथ यज्ञ की ये बातें शेयर कर रहे हैं. तो ये विश्वास था बाबा का, और ये मेरा पाठ भी था, क्योंकि शायद बाबा को पता था कि हम ही एक दिन जो यज्ञ की संभाल करेंगे या हम ही जो गाइड करेंगे, तो शायद वो एक कारण हो सकता है. लेकिन अवश्य ही वो देख सकते थे हमारे आर पार, और जैसे कि हमारे सामने एकदम ट्रांसपेरेंट है, और उनके अंदर हमारे लिए जो ट्रस्ट था, मुझे लगता है कि उस ट्रस्ट ने हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत मदद की है. और क्या करना चाहिए जब किसी को ऐसा फील होता है कि मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, कैसे हम दूसरों को ये भावना दे कि मैं आप पर विश्वास करती हूँ, या यज्ञ आपके ऊपर विश्वास करता है, बड़े आपके ऊपर विश्वास करते हैं, भले ही वो 100% ट्रस्टवर्दी नहीं है, लेकिन आप उनको वो फीलिंग कैसे दे ताकि वो ट्रस्टवर्दी बन जाए. मुझे नहीं पता कि भावनाएं कैसे काम करती दीदी कर रहे, लेकिन बहुत ही कुछ ही समय पहले एक बहुत इंटेंस सिचुएशन थी, जहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो यज्ञ के लिए बहुत करता है, लेकिन उसके ऊपर विश्वास नहीं बैठ रहा था, क्योंकि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो मेरे ऊपर विश्वास क्यों नहीं है कहा. तो मैंने अनुभव किया कि कोई बात होती है आत्मा में जिसका परिवर्तन होना अवश्य है, न केवल उसके होने में लेकिन उसके करने में भी. और फिर 2-4 दिन पहले पता चला, रियलाइज हुआ उसे, माना ऐसा कुछ हुआ कि हमें पता चला कि क्या ठीक नहीं हो रहा था और क्यों इसमें विश्वास नहीं बैठ रहा था. तो इम्प्रेस की जो बात आपने की और इन्फ्लुएंस की बात जो की, ये भी इतना कॉमन है आजकल. तो आजकल तो निर्णय ले लेते हैं प्रभावित होने के कारण या प्रभावशाली होने के कारण, अपने आप निर्णय ले लेते हैं. तो हम सभी को बहुत बहुत ध्यान रखना है, चाहे हम सेंटर पे हैं, चाहे हम यज्ञ में बहुत ऊंची पोजीशन पे हैं, कि मुझे सिर्फ ऐसे ही डिसाइड नहीं करना चाहिए या ऐसे बिलीव नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे वो सत्यता की समझ होनी चाहिए और बाबा के साथ बहुत गहरा संबंध होना चाहिए, ताकि मैं कोई गलती ना करूं, क्योंकि वो गलती जो है वो बहुत नुकसान भी ला सकती है यज्ञ को. और अगर मैं बहुत दूर चला गया तो फिर मुझे वापस से पीछे आना भी पड़ सकता है. तो इसीलिए सभी को बहुत बहुत ध्यान रखना है एक बात का. आप जो कह रहे हैं कि जो आत्मा ने रियलाइज किया, वो खुद को भी नहीं समझ पा रहे थे कि क्यों हमारे पर विश्वास नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वो सब कुछ कर रहे थे यज्ञ के लिए, जो भी उनसे चाहते थे, जो भी उनकी ड्यूटी थी, जो भी उनका अभ्यास था, वो सब कर रहे थे. लेकिन फिर शायद बाद में उनको ये रियलाइजेशन होता है या ये अनुभव होता है
कि बाहर क्या चल रहा था और अंदर क्या चल रहा था. This और whole शायद thing. दूसरे वही चीज उठा रहे थे. तो ये आत्मा जो है वो भी तो मजबूर हो रही होगी कि वो परिवर्तन करे, क्योंकि उनकी जो शक्तियां हैं, उनके जो अथॉरिटी है वो उनसे छीन जाती है. जो सही है वो सही होना चाहिए, चाहे अभी नहीं तो कल, आज नहीं तो कल. वो आत्माएं सामने आएंगे ही बाबा के, और आपकी जो कमजोरी है, जो आप ठीक नहीं कर रहे हो, वो तो सबके सामने आना ही है. और फिर उसके कारण आप मजबूर हो जाते हैं कि जो कुछ आपने पास्ट में किया, जो कुछ डैमेज आपने किया, वो कोई बात नहीं. लेकिन अभी भी बातें परिवर्तन हो सकती है अगर हम उससे रिकवर हो जाते हैं तो. मुझे आपके साथ दूसरी और बातें भी एक्सप्लोर करनी है, लेकिन और किसी समय पर. बहुत बहुत शुक्रिया. ओम शांति. Now do service with your elevated state of the mind. अब अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा सूक्ष्म वृत्तियों से सेवा करो. दृष्टि वृत्ति की पवित्रता. मैं ब्रह्मचारी तो रहता हूँ, पवित्रता का पालन तो करता हूँ, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ. अभी दृष्टि वृत्ति की पवित्रता पर और अंडरलाइन करो. मूल फाउंडेशन है अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ, वृत्तियों को शुभ भावना से संपन्न बनाओ, सबका भला हो ये वृत्ति धारण करो, तब आपका सब आपको सब अपना मानेंगे. Everyone will consider you to belong to them. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti Avyakti Parivar. So just Om Shanti Avyakti Parivar. बस आपको याद दिलाने के लिए कि आने वाले रविवार को Mother's Day celebrate करने वाले हैं. और ये हमारा भाग्य है कि जयंती दीदी हमारे साथ होंगे ग्लोबल हार्मनी हाउस में. तो हम अव्यक्ति परिवार को भी वहां पर कनेक्ट करेंगे. उस समय भोग भी स्वीकार कराएंगे और शाम को भी अव्यक्ति परिवार में भोग स्वीकार कराएंगे. ये कल का प्रोग्राम है, स्केड्यूल ट्यूसडे का. अमृत वेला, अव्यक्त मुरली रिविजन, 5-6 मेडिटेशन इन दिस सीरीज. हम अव्यक्त मुरली सुनेंगे 1969 से. Om Shanti, Avyakt Murli of the 24th of July, 1970. Om Shanti, 24 July 1970 ki Murli hai. Bindu Roop ki Sthiti Sahaj kaise bane? What stage would you call the stage that everyone is sitting in at present? Sabhi jis sthiti mein abhi baithe hain, usko kaun si sthiti kahenge? व्यक्त में अव्यक्त स्थिति है. आप दादा से मुलाकात करते समय बिंदु रूप की स्थिति में स्थित रह सकते हो? हर एक ने अपना अपना विचार सुनाया.
At what time are you especially able to create the stage of बिंदु रूप की स्थिति विशेष किस समय बनती है? जब एकांत में बैठे हो तब, या चलते फिरते भी हो, या चलते फिरते भी हो सकती है. अंतिम पुरुषार्थ याद का ही है. This is why इसलिए याद की स्टेज व अनुभव को भी बुद्धि में स्पष्ट समझना आवश्यक है. What is the stage of the point form and what is the avyakt stage? बिंदु रूप की स्थिति क्या है और अव्यक्त स्थिति क्या है? दोनों का अनुभव क्या क्या है? क्योंकि नाम दो कहते हैं तो जरूर दोनों के अनुभव में भी अंतर होगा. चलते फिरते बिंदु रूप की स्थिति इस समय कम भी नहीं लेकिन ना के बराबर ही कहें. Lacking, but it is almost non-existent. You should also इसका भी अभ्यास करना चाहिए. बीच बीच में एक दो मिनट भी निकाल कर इस बिंदी रूप की प्रैक्टिस करनी चाहिए. जैसे जब कोई ऐसा दिन होता है तो सारे चलते फिरते हुए ट्रैफिक को भी रोक कर 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते हैं. सारे चलते हुए कार्य को स्टॉप कर लेते हैं. You must also stop the traffic of your thoughts. आप भी कोई कार्य करते हो व बात करते हो तो बीच बीच में ये संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करना चाहिए. Out with your body for 1 minute every now and then and practice that. एक मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच में रोक कर भी ये प्रैक्टिस करना चाहिए. If you continue to अगर ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बिंदु रूप की पावरफुल स्टेज कैसे और कब ला सकेंगे? Difficult today will then become as easy as the avyakt stage that the majority of you find easy today. When you first started to practice that, you found it difficult to maintain the avyakt stage. एक मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच में रोक कर भी यह प्रैक्टिस करना चाहिए. अगर यह प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बिंदु रूप की पावरफुल स्टेज कैसे और कब ला सकेंगे? इसलिए यह अभ्यास करना आवश्यक है. बीच बीच में यह प्रैक्टिस में करते रहेंगे तो जो आज ये बिंदु रूप की स्थिति मुश्किल लगती है वो सरल हो जाएगी. जैसे अभी मेजॉरिटी को अव्यक्त स्थिति सहज लगती है, पहले जब अभ्यास शुरू किया तो व्यक्त में अव्यक्त स्थिति में रहना भी मुश्किल लगता था. अभी अव्यक्त स्थिति में रह कार्य करना जैसे सरल होता जा रहा है, वैसे ही यह बिंदु रूप की स्थिति भी सहज हो जाएगी. अभी महारथियों को यह प्रैक्टिस करनी चाहिए. समझा? फरिश्ता रूप की स्थिति अर्थात अव्यक्त स्थिति जिसकी सदा काल रहती है वह बिंदु रूप में भी सहज स्थित हो सकेगा. अगर अव्यक्त स्थिति नहीं है तो बिंदु रूप में स्थित होना भी मुश्किल लगता है. इसलिए अभी इसका भी अभ्यास करो. शुरू शुरू में अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करने के लिए कितना एकांत में बैठ अपना व्यक्तिगत पुरुषार्थ करते थे, वैसे ही इस फाइनल स्टेज का भी पुरुषार्थ
बीच बीच में समय निकाल करना चाहिए। यह है फाइनल सिद्धि की स्थिति। इस स्थिति को पहुंचने के लिए एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आजकल वह गवर्नमेंट कौन सी स्कीम बनाती है? उनके प्लान्स भी सफल तब होते हैं जब पहले पहले ये लक्ष्य रखते हैं कि सभी बातों में जितना हो सके इतनी बचत हो। बचत की योजना भी करते हैं ना, समय बचे, पैसे बचे, एनर्जी की बचत करना चाहते हैं। एनर्जी कम लगे और कार्य ज्यादा हो, सभी प्रकार की बचत की योजना करते हैं। They plan a saving scheme. So, अब पांडव गवर्नमेंट को कौन सी स्कीम करनी पड़े? So, यह जो सुनाया कि बिंदु रूप की संपूर्ण सिद्धि की अवस्था को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। Complete success in the stage of the point. अभी जिस रीति चल रहे हैं उस हिसाब से तो सभी यही कहते हैं कि बहुत बिजी रहते हैं, एकांत का समय कम मिलता है, अपने मनन का समय भी कम मिलता है। लेकिन समय कहाँ से आएगा? दिन प्रतिदिन सर्विस भी बढ़ती जानी है और समस्याएं भी बढ़ती जानी है, और यह जो संकल्पों की स्पीड है वह भी दिन प्रतिदिन बढ़ेंगी। अभी एक सेकंड में जो 10 संकल्प करते हो उसकी डबल ट्रिपल स्पीड हो जाएगी। जैसे आजकल जनसंख्या का हिसाब निकालते हैं ना, एक दिन में कितनी वृद्धि होती है, यहाँ फिर यह संकल्पों की स्पीड तेज होंगी। एक तरफ संकल्पों की और दूसरी तरफ इविल स्पिरिट्स आत्माओं की भी वृद्धि होगी। The speed of your thoughts will be very fast. लेकिन इसके लिए एक विशेष अटेंशन रखना पड़े जिससे सर्व बातों का सामना कर सकेंगे। तो यह है कि जो भी बात होती है उसको स्पष्ट समझने के लिए दो शब्द याद रखना है, एक अंतर और दूसरा मंत्र। That is, in order to understand clearly Om Shanti. आगे की मुरली फिर सुनेंगे। Two words. One is the difference. That is antar. And the other is a mantra. Acha, we will continue tomorrow. Now do service with your elevated state of the mind and your subtle attitude. Purity of vision and attitude. You remain celibate, brahmachari, and you also observe purity. Do not be happy with just that. Now underline purity of vision and attitude even more.
The main foundation is to make your thoughts pure, knowledgeable, and powerful, and your attitude full of elevated feelings. Adopt an attitude of bringing benefit for everyone, and then everyone will consider you to belong to them. अब अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा सूक्ष्म वृत्तियों से सेवा करो। दृष्टि वृत्ति की पवित्रता। मैं ब्रह्मचारी तो रहता हूँ, पवित्रता का पालन तो करता हूँ, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। अभी दृष्टि वृत्ति की पवित्रता पर और अंडरलाइन करो। मूल फाउंडेशन है, अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ, वृत्तियों को शुभ भावना से संपन्न बनाओ। सबका भला हो, यह वृत्ति धारण करो, तब आपको सब अपना मानेंगे। Shine.